बेटी का फैसला होगा एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं कर रहे तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी होगा, पुलिस का काम है ना, कोर्ट का काम है। करेगी पुलिस अपना काम, पुलिस करेगी आज नहीं कल करेगी। अभी मोदी मीडिया को पैसा चाहिए। आप सब साथी अगर मेरे साथ खड़े हैं और बिना पैसे के खड़े हैं तो ये फंडिंग ही है भाई। बताइए फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये देखिए यूट्यूब पे फंडिंग कर रही है, फेसबुक पे फंडिंग कर रही है, आप सब लोग हैं ना। वोट की राजनीति का मतलब यही विनेश फोगाट थी जिसको के मोदी जी ने साथ में खड़े करके जी ठाकुर समाज से इसलिए फंसाया जा रहा है। सब ठाकुर समाज की बात नहीं है, कुछ नेता ये काम कर रहे हैं कि इस आंदोलन को इन इन बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इस अत्याचार को राजनीति का रूप देना चाहते हैं, जाति धर्म के समीकरण में बांटना चाहते हैं। आने वाले किसी भी, चाहे वो मुगल रहे हो चाहे वो अफगान रहे हो, किसी को भी भारत की जनता ने बख्शा नहीं है। और इस बार भी तो सैलरी आपको नहीं लगता देश में ये गलत परंपरा डल रही है कि जो अपराधी उनके समर्थन में पंचायतें होने लगी, देखिए रैलियां निकलने लगी, उनके समर्थन में नहीं है, कुछ लोग हैं जो पैसे के लालच में उनके साथ खड़े हैं। आज भी अगर आप रैलियों के अंदर जाकर देखेंगे वो भीड़ वो नहीं है। जुनैद नासिर के अपराधियों के साथ भी तो खाप खड़ी थी, पंचायतें कर रहे थे। मैं बता ये भी पैसों के लिए कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूँ, आज से लगभग 40 साल पहले जो नेता होते थे वह जनता थी। जनता कौन थी? जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके आती थी, अपने लिए टिफिन भी साथ लेके आती थी। और आज जिन लोगों को बुलाते हैं ये लोग, वो लोग केवल और केवल राजनीति के शिकार लोग हैं जिनकी वोटों को खरीदा जाता है। यही लोग कर रहे थे जो धरना पर है, वो खाप बन के पंचायत कर रहे थे। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हर किसी की नींद 2017 में टूट गई, किसी की 18 में टूटी, कुछ लोगों की नींद धीरे धीरे करते करते 2022 में टूटी, कुछ की अब टूट रही है। मैंने आपको बताया कि जब जंगल में आग लगती है तो कोई ये ना सोचे कि वो बच जाएगा, वो बारी बारी सबका नंबर आएगा। पड़ोसी के घर में अगर आग लगी हो तो आपको आग बुझाने में मदद करनी चाहिए। जिसपे आज भी अत्याचार नहीं हो रहा उसे आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा होना तय है। हर किसी का नंबर आएगा। आपकी राजनीति बन रही चल रही है ना? देखिए राजनीति किस चीज में नहीं है, आप यहाँ खड़े हैं माइक लेकर, मैं यहाँ खड़ा हूँ बोल रहा हूँ बात को, हर चीज को राजनीति तय करती है। तो हमें राजनीति से एलर्जी क्यों होनी चाहिए? ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि अत्याचार करने वाले कौन है? राजनेता है। तो हम इसे राजनीति से अछूता नहीं रख सकते, ये राजनीतिक मुद्दा है। और इसके लिए अगर राजनीतिक बदलाव भी लाना पड़ा तो हम हर स्तर पर टकराने के लिए तैयार। बीजेपी कह रही है एक ही परिवार एक ही अखाड़ा नहीं चलेगा देश में। देखिए जो भाजपा कहती थी कांग्रेस के लिए वो आज उनके साथ अपने साथ हो रहा है। तो ये दोगला पैरामीटर जो है ना, और ये परिवारवाद वाली जो स्थिति है कि मेरा बेटा मेरा भतीजा मेरा दामाद, वो छोड़ना पड़ेगा। और जब तक काबिल लोग डिजर्विंग कैंडिडेट मेरिट के आधार पे, मेरिट वैसे नेताओं के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम होना चाहिए। काबिल लोग हमारे नुमाइंदे, हमारे नेता नहीं चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए जो हमारी नुमाइंदगी हमारी रिप्रेजेंटेशन आगे जाकर रख सके। भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे यहाँ न्याय दिलाने आ रहे हैं, लेकिन जब मिर्चपुर कांड होता हरियाणा में, जब कांड होता तब तो न्याय नहीं दिलवा पाते। देखिए मैं तो खुद मुख्यमंत्री थे। मैं वही बता रहा हूँ कि दोगला चेहरा, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और ये भेदभाव हमें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग हैं, कुछ जिनको मैंने बोला नेता, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें वोट की राजनीति कर वोट की राजनीति करनी है। वोट की राजनीति का मतलब यही विनेश फोगाट थी जिसको के मोदी जी ने साथ में ठाकुर समाज से इसलिए फंसाया जा रहा है। सब ठाकुर समाज की बात नहीं है, कुछ नेता ये काम कर रहे हैं कि इस आंदोलन को इन इन बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इस अत्याचार को राजनीति का रूप देना चाहते हैं, जाति धर्म के समीकरण में बांटना चाहते हैं। जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तान का आंदोलन तय करने के लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ी गई, पूरा जोर लगाया गया कि किसान आंदोलन को किसी अरे मोदी जी का राज राम राज है, तो हम कब मना कर रहे हैं? मोदी जी का राज तो राम राज ही है। मैंने तो आपके आने से पहले बोला कि जो ये हो रहा है ये तो भाजपा ही कर सकती है भाई, ये राम राज में ही हो सकता है। आप लोग कोई नहीं कर सकता, गैंग है जी, आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है भाई। ये तो देश की जनता तय करेगी कि हम टुकड़े टुकड़े गैंग है या देश के असली गद्दार कौन है, असली पाकिस्तान की और चाइना के समर्थक कौन है, कौन चाइना और पाकिस्तान से दलाली लेकर के देश में बैठ करके देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम। आप लोग की फंडिंग हो रही है आने की? हाँ हो रही है ना फंडिंग, आप करते हैं, आप जैसे साथी हैं जो समर्थन कर रहे हैं मीडिया में कवर कर रहे हैं। पैसा आ रहा है चाइना से कि पाकिस्तान से? मोदी मीडिया को पैसा चाहिए। आप सब साथी अगर मेरे साथ खड़े हैं और बिना पैसे के खड़े हैं तो ये फंडिंग ही है भाई। बताइए फंडिंग कहाँ से आ रही है? ये देखिए यूट्यूब पे फंडिंग कर रही है, फेसबुक पे फंडिंग कर रही है, आप सब लोग हैं ना।
देते हैं ना, तो आज की तारीख में मोदी जी को क्या करना चाहिए, यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का बड़ा दर्द हो रहा है कि इनको पैसा मिल रहा है और ये किस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, कैसे सरकार का फजीता हो रहा है, किस तरीके से सच्ची खबरें दिखाई जा रही है। आप लोगों को पुलिस कोर्ट पर भरोसा नहीं है? देखिए पुलिस के ऊपर क्यों नहीं है भरोसा, तो फिर लेकिन पुलिस के ऊपर जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी निगाह में समस्या है। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा की बात अगर करें तो उन बेटियों को सुरक्षा कौन देगा? आप आइए इधर, बाबा को लो, यही लोग थे, बाबा को लो, यही लोग थे जो कहते थे, बाबा को लो, यही लोग थे जो बाबा बीजेपी की बदनामी हो रही है, बीजेपी की बदनामी नहीं होगा, सब मर जाएगा बदनाम करने वाला बीजेपी को। क्यों? क्योंकि सब नजायज लोग हैं, सबका पेट नहीं भरा है, सब मोटा तगड़ा आदमी, साढ़े सात लाख एक आदमी बोला की अच्छी करो और लोग भूखे हैं, एक आदमी हमसे बोला की अच्छी करो लोग भूखा है, हम कह रहे पागल कौवा भात नहीं खा रहा है, तुम कहता है कि 80 करोड़ भूखा है। मोदी कह रहा है ये बात, तो मोदी कह रहा है, बीजेपी कह रही है ना, मोदी कह रहे कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। कौन कहता है मोदी नहीं किया, मोदी बहुत कुछ किया है। क्या किया जी? जी बाबा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र हो कर रहेगा, तो बेटी भी हिंदू है, बेटी का फैसला होगा, एकदम दूध का दूध पानी का पानी होगा, नहीं कर रहे फिर वो, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? गिरफ्तारी होगा, पुलिस का काम है ना, कोर्ट का काम है, करेगी पुलिस अपना काम, पुलिस करेगी, आज नहीं कल करेगी। अभी बाबा को ये नहीं पता, अगर किसी बेटी के साथ में बाबा को गलत काम करते हैं तो पहले अरेस्ट होगा, मुकदमा बाद में दर्ज होगा, ये बाबा को पता होना चाहिए, ये सच है, ये सच है। अरे भैया गुस्सा आया ना, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, इन बेटियों को गुस्सा नहीं आएगा, मुकदमा दर्ज हो गया, और वो व्यक्ति जो बाहर घूम रहा है तुम उनका समर्थन कर रहे हो। बाबा ये लोग मोदी विरोधी है? नहीं नहीं, मोदी का सवाल कैसे आया? मोदी विरोधी है ना, सब मर जाएगा, मर जाएगा, मोदी जैसा आदमी नहीं मिलने वाला है, भगवान है मोदी जैसा नहीं मिलने वाला है। हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगा, रामराज है रामराज, रामराज है रामराज। आपने बोला 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, पता है ना 80 करोड़ बोला ना आपने, ये बहुत बड़ा कलंक है मोदी के मुंह पे, 80 करोड़ अभी भी गरीब है, 80 करोड़ गरीब है अभी भी, जो दो टैंकर राशन नहीं कर पा रहे। बाबा बाबा ए बाबा ए सरदार जी लोग लंगर खिलाता है भूखे को, ये लोग बहुत लंगर चलाते हैं, 700 से ज्यादा किसान जीरो था, मोदी जी ने आके मत्था टेका, ये मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जात पात पूछे ना कोई, राजपूत हम, हमारा राजपूत है, अच्छा ठीक है बाबा, राजपूत बाबा केदारनाथ में पैसा 20 रुपए की चीज 50 रुपए में बिक रही है। एक बात और बताऊं, मोदी योगी रामदेव खट्टर किसी के औलाद नहीं, उसको कोई दर्द नहीं है बाबा, ये समझो बात को, ये चीज सरकार चलाने वाले बे औलाद है, उन्हें कोई दर्द नहीं है, औलाद औलाद है क्या? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।